स्वागत है आपका वर्ल्ड कप 2019 के 38वें मैच में टीम इंडिया को इंग्लैंड के हाथों 31 रनों से हार का जो है वो सामना करना पड़ा। इस हार से दोस्तों टीम इंडिया को तो उतना फर्क नहीं पड़ा क्योंकि टीम इंडिया कंफर्म यहां पर सेमीफाइनल खेलने वाली है, लेकिन पाकिस्तान की जो टीम है वो इस हार के बाद बौखला चुकी है। जहां पर इस हार के चर्चे पाकिस्तानी मीडिया में हो रहे हैं इस मैच के बाद से, और पाकिस्तानी मीडिया जो है इंडिया पर आरोप लगा रही है कि इंडिया जो है ये मैच जानबूझकर हारी है ताकि पाकिस्तानी टीम जो है वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई ना कर पाए। दोस्तों आपको बता दें, इस मैच पर इंडिया से ज्यादा जो निगाहें हैं वो पाकिस्तान की थी, पाकिस्तानी प्लेयर की थी, पाकिस्तानी मीडिया की थी, क्योंकि अगर ये मैच इंडिया इंग्लैंड को हरा देती तो पाकिस्तान की जो टीम है वो बड़े ही आसानी से सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर देती अपना अगला मैच बांग्लादेश को हराकर। लेकिन यहां पर टीम इंडिया जो है वो 31 रनों से हार जाती है, और इस हार के बाद पाकिस्तान की जो टीम है वो बुरी तरीके से फंस चुकी है, जहां पर अब जो है उनका रास्ता बहुत ही ज्यादा कठिन हो चुका है सेमीफाइनल में जाने का। जहां पर अब इनकी निगाहें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले मैच में होगी, वहां ये चाहेंगे कि न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड को हराए और फिर ये अपना अगला मैच बांग्लादेश से जीते, तब ये जाकर सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। तो इनका रास्ता जो है वो काफी ज्यादा कठिन हो गया है, लेकिन अगर इंडिया वो मैच जीत जाती इंग्लैंड से तो इनका रास्ता जो है वो काफी ज्यादा आसान हो जाता। और इसी वजह से ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि इंडिया जो है ये मैच जानबूझकर हारी है। दोस्तों यहां पर पाकिस्तानी मीडिया का तो आप छोड़ ही दीजिए, पाकिस्तान के जो पूर्व खिलाड़ी हैं वो भी यहां पर कुछ इसी तरह का बयान दे रहे हैं। जहां पर सबसे पहले शोएब अख्तर ने कहा था मैच से पहले ही कि इंडिया जो है जानबूझकर ये मैच हारेगी, वहीं वकार यूनिस ने इस मैच के बाद जो ट्वीट किया है उसमें भी साफ साफ झलक रहा है कि वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है इस मैच को जानबूझकर हारी है। तो ये सारा चीज पाकिस्तान में इस समय चल रहा है। पाकिस्तान की जो मीडिया है, पाकिस्तान के जो कुछ पूर्व खिलाड़ी हैं वो पूरी तरीके से बौखला चुके हैं और यहां पर इंडिया पर आरोप लगा रहे हैं कि इंडिया जो है इस मैच को जानबूझकर हारी, जबकि टीम इंडिया ने बहुत ही अच्छा ये मैच खेला था। एक स्मॉल मार्जिन से टीम इंडिया इस मैच को हारी, और विराट कोहली ने भी मैच से पहले कहा था कि ये कितना इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान के लिए। लेकिन शायद यहां पर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के जो ये कुछ पूर्व खिलाड़ी है वो इंडिया को पाकिस्तान की तरह समझ रहे हैं, जैसे पाकिस्तान 2009 के चैंपियंस ट्रॉफी में जानबूझकर ऑस्ट्रेलिया से हारा था ताकि इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में ना जा पाए। वहां पर कप्तान थे MS धोनी, वही कुछ इंटेंशन जो है वो सोच रहे हैं कि टीम इंडिया की भी है, जबकि टीम इंडिया का जो इंटेंशन है वो बिल्कुल क्लियर था, विराट कोहली ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि वो यहां पर जीतने के लिए उतरे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये सारी बातें जो है पाकिस्तानी मीडिया में इस समय चल रही है, जहां पर आरोप जो है टीम इंडिया के ऊपर लगाए जा रहे हैं। अब दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, क्या यहां पर टीम इंडिया ये मैच जानबूझकर हारी थी या फिर टीम इंडिया ने अपना पूरा ट्राई किया था? आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।